Hello everyone, today we will discuss the exercise 2.1 of class 9 which is from R.D. Sharma and question number 8 of this exercise. So, आज हम question number 8 का 4th part discuss करने वाले हैं. So, let's start. In this type of question, हमारा first काम जो होता है, वो होता है कि हमें base उसके equal करने ताकि हम terms को equate कर सकें. So, 4 को हम 2 की form में कैसे ले सकते हैं? 2 to the power 2 और उसकी power हमारी क्या हो जाएगी? 2x. एंड 1 डिवाइड बाई 32 है. अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है? 32. तो हम 2 की फॉर्म में 32 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 4 2 8 16 एंड 32. सो हम इसको 2 to the power 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, तो अकॉर्डिंग टू आर एक्सपोनेंट लो, ए टू द पावर एम की पावर एन है अगर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ए टू द पावर एम इंटू एन. तो हमारा यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा? ये 2x, तो 4x इज इक्वल टू, अगर हमारा ये 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? माइनस में. तो हमारा ये क्या हो गया? 2 की पावर माइनस 5 नाउ, क्योंकि अब हमारा बेस क्या है? सेम है. तो हम क्या करेंगे? पावर को इक्वेट कर सकते हैं. मीन्स हमारा क्या हुआ? 4x इज इक्वल टू माइनस 5. तो हमारा x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड बाय 4.